ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री सरस्वत्यै नमः, ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, आदर नमस्कार। कल हमने आपको गरुड़ महापुराण के आचार कांड में 97वें अध्याय में द्रव्य शुद्धि के बारे में श्रवण करवाया, किस प्रकार से शुद्धता हमें अपने जीवन में करनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है। क्या क्या चीज़ कैसे कैसे शुद्ध हो जाती है उसके बारे में सब बता दिया गया है। आज हम आप लोगों को गरुड़ महापुराण के आचार कांड में 98वें अध्याय में दान धर्म की महिमा क्या क्या है उसके बारे में श्रवण करवाएंगे। बोले आनंद कंद भगवान की जय। नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। आनंद कंद भगवान की जय। याज्ञवल्क्य जी ने फिर कहा आगे, हे ऋषियों, अब मैं दान धर्म की महिमा का वर्णन करता हूँ, उसे आप लोग सुने। अन्य वर्णों की अपेक्षा बताते हैं आगे, अन्य वर्णों की अपेक्षा ब्राह्मण जो है सबसे श्रेष्ठ है। उनमें भी जो सत्क्रियावान कर्मनिष्ठ ब्राह्मण जो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, वो ब्राह्मण जो हैं सबसे श्रेष्ठ हैं। उन कर्मनिष्ठों में भी विद्या तथा तपस्या से युक्त ब्रह्म तत्ववेता, ब्रह्म तत्व को जानने वाले ब्राह्मण जो हैं वह श्रेष्ठ तथा सत्पात्र हैं। गृहस्थों के द्वारा गो भूमि धान्य अनाज तथा सुवर्ण आदि का दान सत्पात्र को उसका पूजन करके दिया जाना चाहिए। इस प्रकार से गृहस्थों के दान के लिए बताया है किस प्रकार के ब्राह्मण को दान देना चाहिए। विद्यायं तपस्या से हीन ब्राह्मण को प्रतिग्रह दान स्वीकार नहीं करना चाहिए। जिस ब्राह्मण को दान धर्म के बारे में या किसी प्रकार से पढ़ा लिखा न हो, जो अनपढ़ हो, जो विद्या से रहित हो, जिसे किसी प्रकार की कोई मालूम न हो या किसी चीज़ के नियम मालूम न हो, जो कोई अपना नित्य कर्म वगैरह नहीं करता हो, ऐसे ब्राह्मण को दान वगैरह लेना नहीं चाहिए, उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार दान लेने पर वह प्रदाता और स्वयं को अधोभागी बना लेता है। इस प्रकार जो दान लेता है वह दान देने वाला भी अधोभागी हो जाता है, उसका भी पतन होता है, और जो दान लेता है उसका तो होता ही होता है। प्रतिदिन उपयुक्त पात्र को दान देना चाहिए। जिसको भी दान देना है उसको दान को लेने वाला सुपात्र होना चाहिए। निमित्त सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण आदि विशेष अवसर पर उपस्थित होने पर विशेष रूप से अधिक दान देना चाहिए। इसमें लिखा गया है सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण आदि जो है ऐसे अवसर हैं, उन अवसरों पर अधिक दान देना चाहिए। किसी के याचना करने पर भी यथाशक्ति उसकी श्रद्धा के अनुसार दान देना चाहिए। कोई अगर तुमसे मांग रहा हो, याचना कर रहा हो, उसको भी अपनी श्रद्धा के अनुसार जितना आपके हिस्से हो सकता है उसको दान देना चाहिए। सुवर्ण से अलंकृत सींगों वाली, चांदी से मढ़े हुए खुरों वाली, सुंदर वस्त्र से आच्छादित, वस्त्र से ढकी हुई, वस्त्र से उड़ी हुई, अधिक दूध देने वाली सुशीला गौ का यथाशक्ति दक्षिणा के साथ दान करना चाहिए। और दान देते समय साथ में कांस्य पात्र भी लेना चाहिए। कांसे का बर्तन भी दान देते समय साथ में देना चाहिए। सींग में 10 सौवर्णिक 108 मासा सोना तथा खुर में 7 पल चांदी लगाना चाहिए। और दोहन पात्र 50 पल कांसे का होना चाहिए। कांसे के पात्र में दोहन पात्र के लिए कांसे का पात्र दान देना चाहिए 50 पल का। गो का बछड़ा भी अलंकृत होना चाहिए। गाय के बछड़े को भी अलंकृत सजा करके सुशोभित करके देना चाहिए। गो जो है रोग रहित तथा सब अच्छा होनी चाहिए। गाय जो है रोगी नहीं होना चाहिए, कोई किसी प्रकार की बीमार गाय नहीं होनी चाहिए और बछड़े के सहित होनी चाहिए। यदि बछड़ा न हो तो स्वर्ण या पिप्पल काष्ठ का बाछा या बाछी बनाकर देना चाहिए। अगर गाय के साथ बछड़ा ना हो तो उसका
सोने का या पीपल के काष्ठ का, पीपल की लकड़ी का बछड़ा या बछड़ी बना करके दान देना चाहिए। ऐसा करने से प्रदाता बछड़े के शरीर में स्थित रोम संख्या के अनुसार उतने ही वर्ष पर्यंत स्वर्ग का भोग करता है। यदि गौ कपिला भूरे रंग की जो गाय होती है उसको कपिला गौ के बोला जाता है। यदि गौ भूरे रंग की होती है तो वह दाता के साथ कुलों का उद्धार कर देती है। अगर कपिला गौ दान की जाए तो वह सात पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। जब तक प्रसव कर रही गौ की योनि में बछड़े के दोनों पैरों सहित मुख दिखाई देता है और जब तक वह गर्भ का प्रसव नहीं कर देती है तब तक गौ को पृथ्वी के समान ही मानना चाहिए। सामर्थ्य के अभाव में स्वर्णमय सींग आदि से युक्त गौ का दान यदि न किया जा सके तो भी रोग रहित हृष्टपुष्ट दूध देने वाली धेनु अथवा दूध न देने वाली गर्भिणी गौ को भी दान करता है। जो ऐसी गाय को दान करता है वह स्वर्ग लोक में महिमा मंडित होकर निवास करता है। थके हुए प्राणी की आसनाधिक दान के द्वारा थकान दूर करना। अगर कोई आदमी थका हुआ है उस प्राणी को आसन देकर के उसको बिठाना, रोगी की सेवा करना, देव पूजन करना, ब्राह्मण का पाद प्रक्षालन, ब्राह्मण के चरण धोना तथा ब्राह्मण द्वारा उच्छिष्ट किए गए स्थान पर स्थान और पात्र का मार्जन कृत्य विधिवत दिए गए गोदान के समान फलदायक होता है। क्या क्या बताया? थके हुए प्राणी की आसन आदि से सेवा करना, उसको आसन देना, बिठाना और उसके द्वारा उसकी थकान दूर करना, रोगी की सेवा करना, देव पूजन करना, ब्राह्मण के पैर धोना तथा ब्राह्मण द्वारा उच्छिष्ट किए गए स्थान पर जहाँ ब्राह्मण बैठा हो उस स्थान और उस पात्र का मार्जन करना कृत्य विधिवत किए गए गोदान के समान। अगर इनका तुम सब पालन करते हैं तो यह किए गए गोदान के फल के समान फलदायक होता है। ब्राह्मण के लिए जो अभीष्ट हो उसे वह वस्तु प्रदान कर प्रदाता को स्वर्ग लाभ लेना चाहिए। ब्राह्मण को जो चीज़ चाहिए वह उसको प्रदान करके मनुष्य जो है स्वर्ग का लाभ प्राप्त करता है। भूमि, दीप, अन्न, वस्त्र और घृत के दान से देने वाला लक्ष्मी प्राप्त करता है। घर, धान्य, छाता, माला, उपयोगी वृक्ष, यान, सवारी वगैरह, मोटर गाड़ी वगैरह, घृत, घी, जल, सैया, कुमकुम, चंदन वगैरह आदि प्रदान करने से स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। वहाँ मनुष्य को इन चीज़ों का दान करने से स्वर्ग लोक में मनुष्य को प्रतिष्ठा मिलती है, उसको वहाँ पर उसकी ऊंचा पद उसको मिलता है, प्रतिष्ठित रहता है। सत्पात्र को विद्या प्रदान करने वाला देव दुर्लभ ब्रह्म लोक को प्राप्त करता है। मूल्य लेकर भी वेदों के अर्थ, यज्ञों की विभिन्न विधियों को संपादित करने वाले तथा शास्त्र और धर्म शास्त्र को लिखने वाले ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। वेद शास्त्र ही संसार के मूल व्यवस्थापक हैं, इसी कारण ईश्वर ने सबसे पहले इन्हीं की सृष्टि की। अतः सब प्रकार का सत प्रयत्न करके वेदों का अर्थ संग्रह करना चाहिए। अर्थात वेदों के तात्पर्य को समझने के लिए भली भांति प्रयास करना चाहिए। जो अधिकारी इतिहास अथवा पुराण लिखकर दान देता है वह ब्रह्मदान के समान प्राप्त पुण्य का द्विगुणित पुण्य प्राप्त करता है, उससे भी दुगुना दान का फल उसको प्राप्त होता है। द्विज को नास्तिकों के वचन कुतर्क तथा प्राकृत और मलेच्छ भाषा भाषित वचन नहीं सुनने चाहिए। इस ब्राह्मण के लिए कहा गया है नास्तिकों के वचन, जो नास्तिक हों, कुतर्क जो करते हों तथा जो अपने शास्त्रों का अपमान करते हों और प्राकृत और मलेच्छ नीच जो जातियां हैं
भाषा भाषित वचन उनके उनके वचन उनकी भाषाओं को नहीं सुनना चाहिए। क्यों? वो लोग कभी भी अच्छी बात नहीं करते हैं, या तो हमारे धर्म ग्रंथों का अपमान करते हैं, या उल्टी सीधी बातें उनके बारे में करते हैं, या हमारे देवी देवताओं के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, तो उनके वचन कभी भी नहीं सुनने चाहिए। ऐसे वचन सुनने पर जो भी ब्राह्मण, जो भी हम द्विज बोला जाता है, जो हम तीनों वर्ण के लोग हैं उनको द्विज बोला जाता है। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तीनों जो हैं ये द्विज की कक्षा में आते हैं, और अगर ये तीनों लोग उनकी ऐसे लोगों की बातें सुनते हैं, उनकी बातों को नहीं सुनना चाहिए। अगर उनसे अगर इनकी इनके शब्द तुम्हारे को अधोगति को प्राप्त करवाते हैं, अगर ऐसे उनके शब्द तुम्हारे कानों में पड़ जाते हैं तो तुम्हें वह अधोगति को प्राप्त करवाते हैं। दान ग्रहण करने का सामर्थ्य रहने पर भी जो लोग दान ग्रहण नहीं करते, वे लोग उन्हीं लोगों को प्राप्त करते हैं जो दानदाता को प्राप्त होते हैं। दान ग्रहण करने का सामर्थ्य रहने पर भी जो लोग दान ग्रहण नहीं करते, वे लोग उन्हीं लोगों को प्राप्त करते हैं जो दानदाता को प्राप्त होते हैं। कुश, साक, दूध, गंध तथा जल, ये वस्तुएं बिना मांगे यदि कुलटा, पतित, नपुंसक एवं शत्रु के अतिरिक्त किसी दुष्कृति के द्वारा भी दी जा रही है तो भी इनका प्रत्याख्यान नहीं करना चाहिए, इनको नहीं छोड़ना चाहिए। यदि कोई सुकृति इन्हें बिना याचना के दे रहा है तब तो इनके प्रत्याख्यान का कोई प्रसंग ही नहीं है। देवता तथा अतिथि की पूजा करने के लिए, अपने माता पिता आदि के भरण पोषण के लिए तथा अपने जीवन की रक्षा के लिए पतित, यदि पतित आदि अत्यंत कुत्सित को छोड़कर अन्य सभी से जितना अति आवश्यक है उतना प्रतिग्रह लिया जा सकता है। क्या बताया? देवता तथा अतिथि की पूजा करने के लिए, अपने माता पिता के भरण पोषण उनकी सेवा करने के लिए तथा अपने जीवन की रक्षा के लिए पतित अत्यंत कुत्सित को छोड़कर, जो भी बहुत ज़्यादा पतित, जो बहुत ज़्यादा गिरे हुए इंसान हैं और बहुत कुत्सित है, जो समाज में जिनको कोई पूछता नहीं है, जिनको कोई पूछ नहीं है, जो कुल बिल्कुल समाज से अलग रहते हैं, ऐसे लोगों को छोड़कर अन्य सभी से जितना आवश्यक है उतना प्रतिग्रह लिया जा सकता है। अगर उनको छोड़ करके अन्य किसी से, अन्य कोई भी हमें कुछ दान देता है, कुछ प्रतिग्रह देता है, तो उसे हम ले सकते हैं। इस प्रकार से इसमें यह कहा गया है, दान किससे लेना है, कैसे लेना है, क्या करना है, ये सब दान धर्म निरूपण, दान धर्म की महिमा इस अध्याय में, यहाँ पर गरुड़ महापुराण के 98वें अध्याय में यह बताया गया है। अब हम इस अध्याय को यहाँ पर विश्राम करते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की जय। कल हम आप लोगों को 99वें अध्याय में गरुड़ महापुराण के आचार कांड में 99वें अध्याय में आप लोगों को श्राद्ध के अवसर तथा अधिकारी, श्राद्ध के संक्षिप्त विधि महिमा और उसका फल आपको श्रवण करवाएंगे। किसको श्राद्ध किस अवसर पर करना चाहिए, कौन श्राद्ध का अधिकारी है, उसकी संक्षिप्त विधि और श्राद्ध की महिमा और उसका फल क्या है, वह आपको हम कल 99वें अध्याय में श्रवण करवाएंगे। तब तक के लिए हरि नाम कीर्तन करेंगे। बोले आनंद कंद भगवान की जय। हरी शरणम।
बोले आनंद कंद भगवान की जय।